आज मैं आपके सामने उमेश वर्मा की बड़ी दिलचस्प एक पोस्ट शेयर करूंगी, और इसमें सबसे पहले ये है कि आप सोच लीजिए कि आप शहर के सबसे माहिर दर्जी हैं और एक दिल आपके पास सिलाई के लिए आया है, और ये दिल आपका अपना ही है। अब आप सोचेंगे, दिल अगर अपना है तो सिलाई नहीं मिलेगी। अरे जनाब, मिलेगी और ज़रूर मिलेगी, और ये आपकी सोच से ज़्यादा मिलेगी। बस शर्त ये है कि सिलाई का काम मुकम्मल ईमानदारी और दिल जमाई से करेंगे, और दिल की फिटिंग, स्टिचिंग और नीटनेस का ख्याल करेंगे। तो चले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिल को खोल कर देखिए, इसमें कहाँ कहाँ दाग हैं। कोई कट तो नहीं लगा हुआ, पेमाइश में कम तो नहीं है। अब बारी आती है उसे श्रृंग करने की। उसे नेक नियति से अल्लाह के पानी में श्रृंग कीजिए, ताकि उसके ऊपर जितने अदावतों के और नफरतों के दाग हैं वो धुल जाए। एक बार अगर अच्छी तरह श्रृंग हो गया तो फिर आइंदा तंग नहीं होगा। अब आप उसे रवादारी और सिला रहमी की धूप में सूखने के लिए रख दीजिए। फिर इसके बाद एक माहिर दर्जी की तरह उससे फैलाएं, उसे सीधा करने की नियत करें। अब टेलर की तरह चाक उठाएं और वहाँ वहाँ निशान लगाते जाएं, जहाँ आप देखें कि झूठ है, हसद है, बुगज़ है और कीना है। अब ज़रूरतों और रंजिशों की टेप आप अपने पास रखें, ज़रूरतों और मोहब्बतों की टेप आप अपने पास रखें, और फिर कैंची से हसद, ख्यालों, इंतकामों, तमाम मिराज उसको बुराइयों को काट डालें। अब आपको अपना दिल, जब आप ये सब काट लेंगे तो फिर इसके बाद आपको अपना दिल बड़ा प्यारा प्यारा लगेगा, और हकूक अल्लाह और हकूकुल अबाद की कैंची से टांके लगाते जाएं, और तमाम गुस्सा, दुश्मनी सबको उस सिलाई के अंदर दबाते जाएं। जब टांके लगाएंगे तो उसके उस टांके में ही सब कुछ जो है वो दबाते जाएं। अब आप देखेंगे कि इंतहाई खूबसूरत दिल तैयार है, जो आपके रिश्तों को, आपके ताल्लुकात को और आपको खूबसूरत तरीन बना देगा। तो फिर देर किस बात की है। अब बिस्मिल्लाह कीजिए, कैंची उठाइए, फीता उठाइए, चाक उठाइए और बन जाएं दिल के दर्जी। कैसी लगी पोस्ट?